संस्कृत की लीला में ये सुभाषित के अंतिम जो दो श्लोक बचे हैं उनका पाठन और उनका अर्थ मैं बताऊंगा। पहले पढ़ने देख लीजिए, आप किताब भी खोल सकते हैं और यहाँ श्यामपट पर ऐसे भी देख सकते हैं। धीरा शोकम तरिष्यन्ति लभन्ते सिद्धिम उत्तमाम् धीरे संप्राप्यते लक्ष्मी धैर्यं सर्वत्र साधनम्। एक बार फिर से देख ले, धीरा शोकम तरिष्यन्ति लभन्ते सिद्धिम उत्तमाम् धीरे संप्राप्यते लक्ष्मी धैर्यं सर्वत्र साधनम्। अब इसका अर्थ समझ लीजिए तब दूसरा श्लोक पढ़ो। धीरा, धीरा माने धैर्यवान लोग, शोकम, शोकम माने दुखों को, हमारे कष्टों को, तरिष्यन, तरिष्यन माने तैरना होता है, तैर लेते हैं अर्थात पार कर लेते हैं, उन कष्टों को पार कर लेते हैं। धैर्यवान व्यक्ति कष्टों को दुखों को पार कर लेते हैं, तैर लेते हैं, पार कर लेते हैं। लभन्ते सिद्धिम उत्तमाम, सिद्धिम उत्तमाम, सिद्धिम सिद्धिम उत्तमाम लिखा है, सिद्धिम अलग कर दीजिए, उत्तमाम अर्थात उत्तम सिद्धि को प्राप्त, लभन्ते माने प्राप्त करना होता है, उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं अर्थात अच्छी स्थिति को प्राप्त हो लेते हैं, दुखों को पार करके अच्छी स्थिति पे पहुंच जाते हैं, अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। धीरे संप्राप्यते लक्ष्मी, धीरे माने धैर्यता से, धैर्य से लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। इकट्ठे आप परेशान होंगे कि जल्दी से धन आ जाए तो वो प्राप्त नहीं होने वाला, धैर्य से ही धन प्राप्त होता है, लक्ष्मी माने धन होता है, धन प्राप्त होता है। धैर्यम सर्वत्र साधनम, और धैर्य ही सर्वत्र माने सभी जगह का साधन है, सभी जगह का आधार धैर्य ही है, कोई काम अर्थात कोई कार्य धैर्यता से करना चाहिए, धैर्य धारण करके करना चाहिए, परेशान होकर कोई काम नहीं होता है, धैर्य से सारे साधन होते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, धैर्यवान व्यक्ति कष्टों को तरिष्यन्ति पार कर लेते हैं, तैर लेते हैं अर्थात पार कर लेते हैं और अच्छी स्थिति प्राप्त करते हैं। धैर्यवान व्यक्ति कष्टों को पार कर अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, धैर्यता से लक्ष्मी प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, और धैर्य ही सभी जगह का साधन है अर्थात धैर्य हर जगह आपका, आप सभी कारकों में सभी स्थितियों में धैर्य सब जगह उसका साधन है, धैर्य सब जगह कार्य करता है। जब हर जगह आप किसी भी काम में आप धैर्य धारण करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगला श्लोक, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम्, सुखार्थी वात्यजेत विद्या, विद्यार्थी वात्यजेत सुखम्। एक बार फिर से देख लीजिए, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम्, सुखार्थी वात्यजेत विद्या, विद्यार्थी वात्यजेत सुखम्। सुखार्थिना कुतो विद्या, अर्थी माने होता है चाहने वाला, तो सुखार्थिना सुख चाहने वाला, कुतो कुतो का अर्थ होता है कुतः, कुतो को अलग करेंगे तो कुतः हो जाए, तो कहां सुख चाहने वाले को विद्या, कहां सुखार्थिना सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या, विद्या कहां, विद्यार्थिना सुतो सुखम, और जो विद्यार्थी विद्या चाहता है उसको सुख कहां, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं प्राप्त हो सकती, और विद्या चाहने वाला अगर विद्या चाहता है तो सुख का की लालसा छोड़ दे अर्थात उसको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, अगर वो आराम तलब है तो पढ़ नहीं सकता, उसको विद्या नहीं प्राप्त हो सकती। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, अगर विद्या चाहते हो तो सुख की लालसा छोड़ दीजिए, जब तक आपको विद्या प्राप्त करनी है तब तक कष्ट सहन करना पड़ेगा, और
उसको सुख छोड़ देना चाहिए। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए, अर्थात विद्या भी कष्ट से प्राप्त होगी। इसलिए सुख की लालसा छोड़कर विद्या अध्ययन में जुट जाना चाहिए। धन्यवाद। गृह कार्य में आप लोग इन श्लोकों को इन श्लोकों का अर्थ रख पर लिखें। धन्यवाद।